हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों वो जो है इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन और उसके फीचर्स करा चुकी हूँ। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैं फिर से बता देती हूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे होते हैं, उन सब में एक होता ना यूनिटी लेके आना, उन सब के एफर्ट्स में, उन सब में बैलेंस बना के रखना कि सब अलग अलग तरीके से काम ना करें, सब एक ही तरीके से काम करें, सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाएं। दिस इज़ कोऑर्डिनेशन। तो सब में एक ऐसा बैलेंस और एक तालमेल बिठा कर रखना कि हमें गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। सो हम सबसे पहले इसकी नीड पढ़ते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है आखिर। फर्स्ट इज़ साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ पीपल वर्किंग भी इंक्रीज़ होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हैं, पता नहीं अलग अलग कंट्रीज से भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उनकी अपनी अलग अलग नीड होगी, उनका अपना अलग अलग एटीट्यूड होगा, अपनी अलग थिंकिंग होगी, अपने अलग व्यूज़ होंगे, है ना, अपना अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग होगा। तो इन अलग अलग एम्प्लॉयज़ को एक साथ चलाने के लिए, इन सब के एफर्ट्स को एक करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉई हैं, अलग अलग उनके एटीट्यूड्स हैं, तो वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होगा। एक बोलेगा नहीं ये काम ऐसे करो, एक बोलेगा नहीं ये काम ऐसे करो, तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो इट इंक्रीजेज द नीड टू ब्रिंग टुगेदर दीज एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स टू मेक इट अ ग्रुप एफर्ट टू अचीव अ कॉमन गोल। तो क्या होगा, इससे नीड किसकी आएगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स थे, वी विल ब्रिंग देम टुगेदर, एक साथ लेकर आएंगे, सारे इन लोगों के एफर्ट्स को एक साथ लेकर चलेंगे, ताकि हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट जो है एक ग्रुप एफर्ट बन जाए और कॉमन गोल जो है सबका अचीव हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ चीज़ का अलग होना या डिफरेंट होना। तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, तो उन सब के एटीट्यूड को एक साथ लाने के लिए, उन सब के एफर्ट्स को एक साथ लाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अभी क्या है, इस नेक्स्ट पॉइंट में बहुत सारे फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, कोई फाइनेंस रिलेटेड, कुछ कोई सेलिंग कर रहा है ना, कोई परचेज का कोई काम कर रहा है, रॉ मटेरियल बनाने का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की जाती है। ये अलग अलग एम्प्लॉयज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे, उन सब में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, इनको जो है फंक्शंस को बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कि जितने भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सब काम अलग कर रहे हैं, माना कि सब अलग कर रहे हैं, एक परचेज का काम कर रहा है, एक सेल का काम कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, सब काम अलग कर रहे हैं, बट ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे एक दूसरे पर डिपेंड हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब एक ही तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। डिपार्टमेंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन है तो सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। देखो, एक अगर सेल का ऑर्डर आया आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि 1000 टेबल्स जो है आपको सेल करने हैं, तो क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में डिपेंडेंट हैं। जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसका काम सेलिंग का है ना, और जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जब वो बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा, तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट इनको सेल कर पाएगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है कब प्रोडक्शन कर पाएगा, जब परचेज डिपार्टमेंट उसे सारा सामान खरीद के देगा, सारे रॉ मटेरियल खरीद के देगा। अब परचेज डिपार्टमेंट कब खरीदेगा, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका साथ देगा, प्रॉपर उसे कैश देगा। तो सारे डिपार्टमेंट आपस में डिपेंड हो गए एक दूसरे पर। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर सकता है अपनी मर्जी से, नहीं, ऐसा नहीं है, सबको साथ में चलना पड़ता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ को एक साथ लिया था, ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स को हम एक साथ लेके चलेंगे, इन सब के एफर्ट्स को, इन सब के काम को, वी विल ब्रिंग देम टुगेदर। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ को क्या मानेंगे हम, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सब एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लाएंगे। सपोज अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है,
सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर आ गया, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट को तो कुछ पता ही नहीं है, उसने तो रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं करा, तो क्या होगा इससे? परचेज डिपार्टमेंट ने अपना सपोज नहीं किया परचेज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रॉब्लम हो जाएगी इससे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ को, हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को एक साथ लाएंगे और उनके सब के एफर्ट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट मानकर काम करेंगे कोऑर्डिनेशन के थ्रू। आपका थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अभी स्पेशलाइजेशन क्या कह रहा है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है सपोज बहुत लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या होंगे, स्पेशलिस्ट वर्क कर रहे होंगे, एक्सपर्ट्स वर्क कर रहे होंगे, फाइनेंस का एक अलग से एक्सपर्ट हो वर्क कर रहा होगा जो सिर्फ फाइनेंस को अरेंज करता होगा, ठीक है, एक सेल्स मैनेजर होगा अलग से जो सिर्फ सेल्स को देख रहा होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होगा, मतलब सारे अपने अपने एक्सपर्ट होंगे, अपने अपने लेवल पे अपने अपने राजा होंगे, दे ऑल वर्क इन देयर ओन वे, और सबको लगेगा कि सबका काम जो है वो मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, ये काम ऐसे होना चाहिए, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। इससे क्या होगा, एक किसी डायरेक्शन में जाएगा, एक किसी डायरेक्शन में जाएगा, एक कुछ बोलेगा, बहुत ज़्यादा क्योज कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि चलो हम अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए ऐसा करते हैं प्राइस कम कर देते हैं, तो जिससे हमारी सेल्स जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। बट हायर ऑफिशियल्स ने क्या बोला कि नहीं नहीं हम प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, प्राइस डिक्रीज़ नहीं कर सकते, तो एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट बोल भी सही रहे हैं, ठीक है, दोनों ही आपस में सही हैं, बट एक साथ मिलकर जो है अगर वो बोलें, कोऑर्डिनेशन अगर उनमें हो, मिलकर फैसला लिया जाए, तो क्या होगा, जो ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये दूर हो जाएगा। बट अगर अपने अपने एटीट्यूड के साथ वो वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो इसलिए कोऑर्डिनेशन का यूज़ किया जाता है ताकि इन सब के एक्टिविटीज़ को एक साथ लेकर चला जाए। सो देर इज़ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज स्पेशलिस्ट इन वन डायरेक्शन। इसलिए ज़रूरत है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन स्पेशलिस्ट की, इन एक्सपर्ट्स की, इन सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए, एक साथ लेकर चला जाए और एक ही डायरेक्शन में चला जाए। क्योंकि ऐसा भी तो नहीं हो सकता है, अगर सेल्स मैनेजर है कोई बहुत बड़ा मैनेजर है, उसने ऐसे बोल दिया कि नहीं तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और हायर लेवल एम्प्लॉयज़ ने बोला कि चलो तुम्हें फायर कर दिया गया है, तो उसके बराबर का जो एम्प्लॉय है वो एकदम से अरेंज करना भी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या किया जाता है, इन सबको एक साथ सलाह मिलाकर काम करने को कहा जाता है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।